हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये होने वाला है हमारे ब्लिस फैमिली के साथ। हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। पिकनिक मतलब कहाँ पिकनिक जा रहे हैं हम लोग आपको बताएंगे थोड़ी देर में। किसी के फार्म हाउस पे जा रहे हैं और हम लोग अराउंड 15-20 लोग हैं, जिसमें शायद एक दो लास्ट मोमेंट पर ना ही आ पाए किसी काम की वजह से। बट रियली सुपर एक्साइटेड ग्रुप में। कल से इतनी हलचल हो रही थी, रात को 1-2 बजे लोग सो रहे थे। इतनी मतलब स्कूल टाइम में पिकनिक जाते थे ना, वैसी सेम एक्साइटमेंट। और शनाया भी ओवर एक्साइटेड है, कल रात को ये भी नहीं सोई। सुबह हमारे साथ फर्स्ट पिकनिक है, फर्स्ट एवर पिकनिक, तो इसको भी लेके चले हम लोग साथ में कि पूरा फन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अभी बस पहले प्लान था कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, फिर प्लान चेंज हो गया। सब लोग बोलते कि गाड़ी नहीं, एक ही साथ चलते हैं ताकि थोड़ा मज़ा कर सकें। तो फिर हमने ट्रैवलर बुक कर दिया, अभी गाड़ी वाला आ जाएगा और थोड़ा फूड वगैरह जो ऑर्डर किया वो कैरी करना है और बस फिर करते हैं फन। नहीं बस भी ये भैया इधर इधर आ गया, ये आ गई अपनी बस। सब लोग आ गए हैं, ऑल सेट, कोई रह ना जाए इसलिए हमें कोई टेंशन था। कुछ लोगों को रास्ते से पिक करेंगे एंड गाड़ी आ गई है, सामान रख दिया है। लेट्स गो नाउ, चलते हैं। चल पड़े अभी, एकदम स्कूल की यादें ताजा हो गई और ये रही हमारी सारी गैंग पिकनिक के लिए, ऑल एक्साइटेड। देखते हैं कब तक ऐसा एनर्जी रहता है। ओ, अभी दो हमारे और स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे, वो खड़े हुए हैं सामने, करते हैं इनको पिक अभी। ये एक लास्ट आखिरी सवारी हमारी ये रही, जिसको थोड़ा डराते हैं, देखते हैं डरेगी या क्या करेगी। नहीं नहीं, यू हैव टू सिंग, शायरी नहीं मारनी है, गा के बताना है, गा के बताना है। लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। तो टीम जीती, एक बार चेयर अप कर दो। ये फाइनली गाइस पहुंच गए, काफी फन किया बस में। अभी थोड़ा उतरेंगे, चिल करते हैं फिर सब लोग। और हम एंजॉय कर रहे हैं मैंगो शेक, मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। तो यहाँ के फ्रेश ऑर्गेनिक मैंगोज हैं जो यहीं के फार्म्स पे ग्रो होते हैं, यू सी द फार्म्स आल्सो सून। तो अभी जस्ट वही फिनिश किया है, अमेजिंग डिलीशियस मैंगो शेक। शनाया यहाँ पे अपने वॉकर में फुल ऑन इस डॉगी के साथ प्ले कर रही है, उसको तो बहुत मजे आ रहे हैं। शनायु बच्चे छोड़ दो उसको, अब उसके पीछे पीछे पूरा घर। सो यहाँ पर सभी पार्टी स्टार्ट करने की तैयारियां चल रही है, गेटिंग ऑल द स्टफ रेडी। And that's the amazing pool. और थोड़ी देर में हम सब पूल में होंगे, बट उससे पहले थोड़ा फूड एंड ड्रिंक। और यहाँ है शनाया। शनायु, let's go, cheers! Ajia, 3, 2, 1. You can do this. Come on. Come on. Come on. Okay guys, Shania is all set for the pool. Yes, Shania, look here. Look here. Show your dress to everyone. इसको अंदर जाना है पूल में जल्दी अभी। सब लोग इधर भी रेडी हो गए हैं, सब लोग ऑल सेट, ऑल सेट। चलो Are you ready to go to the pool? शनायु देख रही है कि उसके पापा कहाँ चले गए, तो she's all shocked कि पानी में चले कहाँ गए हैं। कहाँ चले गए पापा, कहाँ चले गए, उधर है पापा, उधर है। वो देखो पापा, हम भी जाएंगे पापा।
टाइम फॉर पूल पार्टी. So Shania का पहला स्विमिंग एक्सपीरियंस. Ooh, look at that. Look at that. Hi Shania. Oh, she loves water. उसको पानी बहुत पसंद है. She loves water. Woohoo, Shania. कैसे खुश हो रही है. चुना मजा ले मजा पापा. This is exciting. ये अच्छा है लेकिन फोटो इसको ऊपर ही रख रहा है. बस इसका आप अगर मुंह बीच में ना डाले. इसको नीचे खींचना. इसको थोड़ा बड़ा है उसको. तो शनाया इज डेफिनेटली हैविंग अ गुड टाइम. उसको पानी वैसे ही बहुत पसंद है और अभी तो पूरा पूल है तो आई एम श्योर शी इज गोना एंजॉय. लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू. पता चला बाहर ही नहीं गई. रोने लगे. Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. मेरी बहुत फटती है. इन सब में डर लगता है. तो गाइज पूल पार्टी इज डन. काफ़ी मज़ा आया. अभी भी लोग थोड़ा चिल कर रहे हैं और अभी टाइम हो गया लंच का. सो वैशाली वगैरह ने पूरा ऑर्गेनिक खाना बनाया हुआ है. इट्स खीर पूरी सब्जी एंड ऑल. और सबसे मस्त चीज़ जो है दैट इज़ कि बनाना लीफ में ये लोग सर्व कर रहे हैं. दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रेडिशनल बिकॉज ये लोग कर्नाटका साइड से हैं तो थोड़ा ट्रेडिशनल फूड हम लोगों को दे रहे हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस थिंग. अभी सब लोग चेंज करके आ रहे हैं. उसके बाद सब लोग लंच करेंगे एंड फिर थोड़ा चाय वगैरह पी के विल मूव बैक. और अभी भी बच्चे देखो पूल में ही दिखाता हूँ. ये रहा हमारा लंच. पूरी
पत्ता, पनीर, खीर एंड ऑल। ओके सो गाइज, लंच हो गया, अब हम जा रहे हैं थोड़ा फार्म्स देखने। यहाँ पे काफ़ी मैंगोज़ के ट्री हैं, ऑलमोस्ट 100+ मैंगोज़ ट्री, और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो सब लोग आगे निकल गए हैं, चलो चलते हैं हम भी। सर रेडी हो? यस चलो, चलो रेडी चलो। तो अभी अभी हम लोग आए हैं वैशाली वगैरह के फार्म हाउस, और ये हैं उनकी सारी गाय, उन्होंने रखी हुई हैं जो देती हैं A2 मिल्क, ये सब। अभी सब लोग पियेंगे एक एक गिलास का दूध। क्यों प्रियंका? नो भर के। हाँ सबको एक एक गिलास पिला दो दूध का। फैमिली है सर, पूरी फैमिली है। भैया लाओ कच्चा दूध पिलाओ जरा सबको। सो गाइस फ्रेश दूध जस्ट अभी निकाला है एंड सैंडी इज ड्रिंकिंग इट। फ्रेश दूध जस्ट अभी निकाला। वो बोल रहा है मेरा दूध क्यों पी रहे हो भाई साहब? ये का फ्रेश दूध का डायरेक्ट निकल के। सर कितना इंप्योरिटी रहेगा उसमें? क्यों? गरम भी है देखो सर। कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ दो इसको। नहीं, 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 नहीं। अरे दो तो सही है। लो 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 इसका लो। शुरा रस्ता बिस्की के ऊपर पियो पियो पिया तुमने? देखो गरम बिल्कुल, टेस्ट तो करो एक एक सिप। अरे एक एक सिप तो लो। हाँ लो एक एक सिप तो लो। लो वीडियो के लिए था नहीं? अरे कोई और है एक सिप लेने वाला। लक्ष्मी लक्ष्मी कोई एनीवन? राहुल भाई गाइज, सब कुछ हो चुका है। इट्स टाइम टू से गुड बाई टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ऑल थैंक्स टू वैशाली फॉर होस्टिंग अस। काफ़ी मज़ा आया, और सब लोग ऑल सेट टू गो बैक टू होम विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड मेमोरीज। लेट्स गो। फाइनली गाइज बैक होम, सबको छोड़ दिया जहाँ जहाँ से सबको पिक किया था। काफ़ी मज़ा किया। मतलब कैसा होता है कि आज जो इतना मज़ा किया, जो मेमोरीज़ बनाए सबके साथ, आज से 5 साल बाद 8 साल बाद जब ये वीडियो देखेंगे सब लोग तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब ये पल कितने याद आएंगे। तो हाँ काफ़ी मज़ा किया, बस में भी काफ़ी मज़ा किया। उतना शूट नहीं कर पाए बिकॉज काफ़ी फ़न कर रहे थे तो भूल जा रहे थे क्या हो रहा है, यानी नॉन स्टॉप जाते वक्त भी फ़न, आते वक्त भी फ़न, और वहाँ पर भी काफ़ी मज़े किए। So that was a good day. आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइस सी या।